स्नेहा के व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दूधलारी की रेसिपी। बड़े ही मज़े की बनकर रेडी होती है ये रेसिपी। ईद के लिए स्पेशल है क्योंकि इस ईद में हम नमकीन बनाते हैं, तो उसके साथ अगर मीठा ना बनाया जाए तो ईद भी फीकी पड़ जाती है। दूधलारी हर किसी की पसंदीदा है, बच्चे बड़ों की सबकी पसंदीदा है और ये बनकर मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। चलिए फिर व्यूअर्स ये दूधलारी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 किलो दूध ले लिया है। ये मैंने मिल्क पाउडर दूध लिया है, आप पैकेट वाला या खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जी मैंने 1/2 कप चीनी का शामिल किया है और 2 अदद यहाँ पर जी हम इलायची भी शामिल करेंगे। अच्छे से चीनी और इलायची को मिक्सअप करेंगे, नीम गर्म होने तक दूध को भी पकाएंगे। गरम हो रहा है तो चलिए हम कस्टर्ड का मिक्सचर बना लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 कप ले लिया है, इसमें मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी। इसमें मैं मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ 3 चम्मच के करीब। अच्छे से मिक्सअप करेंगे। यहाँ पर जी दूध भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम रंगीन सेवइयाँ शामिल करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने रंगीन सेवइयाँ ले ली हैं। मैंने ये 1/2 पैकेट सेवइयाँ ली हैं। आप अगर चाहें तो अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा सेवइयाँ शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अच्छे अच्छे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं सेवइयाँ अच्छे से पक चुकी हैं और यहाँ पर मैं कस्टर्ड शामिल करूँगी जिसका मैंने मिक्सचर बना कर रखा था। मैं ये मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ, आप किसी और फ्लेवर का भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने कस्टर्ड शामिल कर लिया है और एकदम से देख सकते हैं ये गाढ़ा होता जा रहा है और जैसे जैसे आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ये और भी मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। ये दूधलारी बड़े ही मज़े की बनकर रेडी होती है। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पर व्यूअर्स जब मैंने कस्टर्ड शामिल किया था उसके बाद मैंने 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाया है। देख सकते हैं यहाँ पर जी ये दूधलारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स मैं बादाम और अखरोट का ड्राई फ्रूट्स शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने इनको बारीक काट लिया था, अब ये मैं शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स हमारी दूधलारी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं इसको और भी मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए तो इसमें आप फ्रूट्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें फ्रूट शामिल करेंगे तो और भी मज़ेदार बन जाएगी। इसमें चॉकलेट चिप भी शामिल कर सकते हैं, उसमें भी बड़े ही मज़े का फ्लेवर आता है। और ऊपर से मैं इसको डेकोरेट करूँगी ड्राई फ्रूट से। यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं हमारी दूधलारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं इन दूधलारी को 1 घंटा हो गया है और अच्छे से ठंडी हो गई है और मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त बहुत सारी दुआओं में। याद रखिएगा फिर किसी दिन हाजिर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।